हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग? कैसी तैयारी चल रही है? मुझे पता है अब आप लोग पूरे जोर शोर के साथ में जुटे होंगे, बिल्कुल अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहे होंगे और एक प्रॉपर टाइम टेबल को फॉलो कर रहे होंगे। जिन बच्चों के पास में टाइम टेबल नहीं है या उनका टाइम टेबल उनसे नहीं बन पा रहा है, तो आई बटन में मैंने टाइम टेबल वाले वीडियो का डिस्क्रिप्शन दे रखा है, जिसमें चाहे आप कोचिंग से जाकर के पढ़ रहे हो, या आप स्कूल में जाकर के पढ़ाई कर रहे हो, या आप स्कूल एंड कोचिंग दोनों से पढ़ाई कर रहे हो, या फिर वो बच्चे जो सिर्फ यूट्यूब लेक्चर्स को देख करके अपनी नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उन सभी के लिए मैंने टाइम टेबल बना रखा है, तो आप वहां से देख सकते हैं। सो बच्चों, मैंने आपको जैसे पिछले वीडियो में इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस बताई थी ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर की, तो इस वीडियो में मैं आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाली हूं। अगर आप इन क्वेश्चंस को कर लेंगे तो मुझे नहीं लगता आपका इस चैप्टर से कुछ भी ऐसा क्वेश्चन छूट पाएगा जो आपको ना आता हो। क्लियर गाइस? सो वॉच दिस वीडियो कंप्लीटली, स्किप मत करिएगा, क्योंकि मैं बीच में आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स बताऊंगी जिनको अगर आप यहाँ पे ही पढ़ लेंगे तो आपके लिए बेटर होगा, आपको ज्यादा सर्च नहीं करनी पड़ेगी। और एंड ऑफ द वीडियो, जैसा कि मैं हर वीडियो में आपको सारे क्वेश्चंस की इमेजेस प्रोवाइड करती हूँ, तो मैं एंड ऑफ द वीडियो वो भी अपलोड कर रही हूँ, सो दैट यू कैन सी फ्रॉम देयर। ओके, और अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आता है, तो आप कॉमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। क्लियर गाइज? सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज डिस्क्राइब द पाथ ऑफ स्पर्म ट्रांसपोर्ट। एक और चीज बच्चों में बताना चाहती हूँ कि मैंने ये क्वेश्चंस ऐसे फाइनलाइज किए जिसमें से आपके वेरी शॉर्ट भी बन सकते हैं, आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस भी बन सकते हैं, आपके एमसीक्यूज भी बन सकते हैं, और आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस भी बन सकते हैं, या जिनमें सिर्फ डायग्राम्स आते हैं वो भी मैंने अलग से आपको बता दूंगी। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, आपको बस फॉलो करते जाना है, जैसे बताया जा रहा है आपको बस वैसे पढ़ाई करते जाना है। ठीक है, सो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या था वो। डिस्क्राइब द पाथ ऑफ स्पर्म ट्रांसपोर्ट, यहाँ पे हमें स्पर्म के ट्रांसपोर्ट का पाथ बताना है, तो मैंने एक फ्लो चार्ट बना रखा है और इस फ्लो चार्ट के थ्रू आपको मैं बताती हूँ, क्योंकि फ्लो चार्ट में जब हम कोई चीज पढ़ते हैं तो हमें बहुत जल्दी से याद हो जाती है, और साथ में जब हमें एग्जाम में लिखना होता है तो हम उसको अच्छे से डिफाइन करके लिख सकते हैं, और एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन हम उसका एक फ्लो चार्ट दे सकते हैं, जिससे कि एग्जामिनर जब कॉपी चेक करेगा तो वो आपके फ्लो चार्ट में नजर डालेगा और वो आपको फुल मार्क्स देगा। सो स्टार्ट करते हैं फ्लो चार्ट। फर्स्ट में है आपका सेमिनी फेरस ट्यूब्यूल। सबसे पहले स्पर्म के पाथवे कहाँ से स्टार्ट होता है? दैट इज फ्रॉम द सेमिनी फेरस ट्यूब्यूल। उसके बाद में वो आते हैं रेटे टेस्टिस, आफ्टर दैट वासा इफ्रेंशिया। रिमेंबर इट इज वासा इफ्रेंशिया। ओके, आफ्टर दैट एपिडाइडिमिस, देन आफ्टर वासा डिफ्रेंशिया, एंड आफ्टर दैट यूरेथ्रा। क्लियर? सो दैट इज द कंप्लीट फ्लो चार्ट ऑफ स्पर्म ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द रोल ऑफ सर्विक्स इन द ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम? सर्विक्स का रोल पूछ रहा है ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो यूट्रस के, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि यूट्रस के फोर रीजन होते हैं। द फर्स्ट इज द फंडस, बॉडी, स्थमस एंड सर्विक्स। दीज आर द फोर रीजन ऑफ यूट्रस। सर्विक्स जो होता है वो लोएस्ट पार्ट होता है, दैट एक्सटेंड्स डाउनवर्ड्स फ्रॉम द स्थमस अंटिल इट ओपन्स इनटू द वजाइना। आपको यहाँ पे अपनी बुक से या अपने नोट से सर्विक्स का डायग्राम भी बनाना होगा। ये डिपेंड करता है कि आपसे क्वेश्चंस कैसे पूछा गया। अगर वेरी शॉर्ट में है तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ आप डेफिनेशन दे दें। अगर आपसे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में पूछा गया है तो आप उसके फोर रीजन बताइए यूट्रस के, और उन फोर रीजन के बाद में आप सर्विक्स को डिफाइन करिए, और अगर आपके पास में टाइम बचता है तो आप एक फटाफट से रफ डायग्राम बना करके एक प्रॉपर लेबलिंग दे सकते हैं। अगर आपसे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में पूछा गया है तो फिर तो आपको पूरा अच्छे से थॉरली डिस्क्राइब करना होगा, तब आपको चारों रीजन के बारे में भी बताना होगा, सर्विक्स के बारे में भी बताना होगा, उसका एक सुंदर सा लेबल डायग्राम भी बनाना होगा। डायग्राम्स कैसे करते हैं, कैसे लेबलिंग करते हैं, इसका भी मैं एक आपको वीडियो प्रोवाइड करूंगी, जिससे आपको परफेक्ट मेथड पता चलेगा कि हाँ हम ऐसे डायग्राम बनाएंगे तो हमारा डायग्राम देखने में भी अच्छा लगेगा, और लेबलिंग हमें कैसी करनी चाहिए वो भी हमें पता होगी, तो हमें मार्क्स ज्यादा मिलेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन, डिफाइन द सिग्निफिकेंस ऑफ एपिडाइडिमिस इन मेल फर्टिलिटी। मैं पॉइंट्स में बता रही हूं, आप इसको पैराग्राफ फॉर्म में भी लिख सकते हैं या हेडिंग वाइज भी लिख सकते हैं। इट हेल्प्स द स्पर्म इन अटेनिंग मैच्योरिटी। पहला पॉइंट क्या है, मैच्योरिटी अटेन करने में करता है हेल्प। दूसरा पॉइंट है एक्वायरिंग इंक्रीज्ड मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी। जैसे ही मैच्योर होगा उसके बाद में क्या होगा, उसकी मोटिलिटी और फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करता है। नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट,
शॉर्ट टाइम स्टोरेज करता है, बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर नहीं करता है. फोर्थ पॉइंट है शोज पेरिस्टैटिक मूवमेंट एंड सेगमेंटिंग कॉन्ट्रैक्शन एट इंटरवल्स टू पुश द स्पर्म अवे फ्रॉम द टेस्टिस. तो ये मूवमेंट होते हैं, ये स्पर्म्स को पुश करते हैं टेस्टिस से बाहर जाने के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द हॉर्मोन्स इन्वॉल्व्ड इन स्पर्मेटोजेनेसिस. स्पर्मेटोजेनेसिस में कौन से हॉर्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं उनके बारे में बताना है हमें. तो दैट इज द फर्स्ट हॉर्मोन इज गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हॉर्मोन, दैट इज GnRH. द नेक्स्ट इज द ल्यूटिनाइजिंग हॉर्मोन LH. एंड द थर्ड वन इज द एंड्रोजन्स एंड द फोर्थ वन इज द FSH. क्लियर? गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हॉर्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हॉर्मोन, एंड्रोजेंस एंड FSH, ये चार हॉर्मोन हेल्प करते हैं हमारे, इन्वॉल्व होते हैं या कह सकते हैं आप स्पर्मेटोजेनेसिस में. नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस जो मैं आपको बता रही हूँ इनके आंसर्स आपको बहुत ही इजीली से मिल जाएंगे, लेकिन ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए आपको ये पता होने बहुत ज़रूरी है. द फर्स्ट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी ओसाइट, के बीच में डिफरेंस है. द सेकेंड क्वेश्चन इज द व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एम्पुलरी जंक्शन इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी स्पर्मेटोजोआ आर फॉर्म्ड फ्रॉम वन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट. नेक्स्ट क्वेश्चन वेयर डज द फर्स्ट क्लीवेज डिवीजन ऑफ जाइगोट टेक्स प्लेस. पहला क्लीवेज डिवीजन जाइगोट का कहां पे होता है. नेक्स्ट, ये आपसे वेरी शॉर्ट में पूछा जा सकता है स्पेशली. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डॉक्टर्स रिकमेंड ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग इनिशियल पीरियड ऑफ इन्फेंट ग्रोथ. नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉर्पस ल्यूटियम इन प्रेगनेंसी हैज अ लॉन्ग लाइफ, हाउएवर इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट टेक प्लेस इट रिमेन्स एक्टिव ओनली फॉर 10 to 12 डेज. एक्सप्लेन. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें पूछ रहा है कि कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो प्रेगनेंसी में जनरली उसकी लॉन्ग लाइफ होती है, लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो वो सिर्फ 10 to 12 डेज के लिए ही सर्वाइव करता है या फिर उसकी लाइफ होती है, तो हमें वो रीजन बताना है. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट आर द इवेंट्स टेक प्लेस इन द ओवरी एंड यूट्रस ड्यूरिंग फॉलिकुलर फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल. कौन कौन से इवेंट्स होते हैं. तो द फर्स्ट इज द मेंस्ट्रुअल फेज होती है, मैं आपको एक शॉर्ट फॉर्म में बता दे रही हूँ. मेंस्ट्रुअल फेज होती है, नेक्स्ट है फॉलिकुलर फेज होती है, देन आफ्टर ओव्यूलेटरी फेज होती है, देन आफ्टर ल्यूटियल फेज होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिफरेंस बिटवीन ओजेनेसिस एंड स्पर्मेटोजेनेसिस. एक छोटे छोटे से फ्लो चार्ट ऐसे बना रखे हैं मैंने, इसके फॉर्म में मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें क्या करना है. स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या होता है, दैट इज द स्पर्मेटोगोनिया, देन आफ्टर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, फिर उसके बाद में सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, देन आफ्टर स्पर्मेटिड्स बनते हैं, देन आफ्टर स्पर्मेटोजोआ. तो दैट इज द स्पर्मेटोजेनेसिस. द नेक्स्ट वन इज द ओजेनेसिस. ओजेनेसिस में क्या होता है, ओगोनिया, देन आफ्टर प्राइमरी ओसाइट, देन आफ्टर सेकेंडरी ओसाइट्स, एंड आफ्टर दैट द ओवम. सो दैट इज द स्पर्मेटोजेनेसिस एंड ओजेनेसिस, दैट इज द बेसिक डिफरेंस. इसको आप अपनी फॉर्म में या अपने तरीके से डिफाइन करके लिख सकते हैं. फिर है एक जो इंपॉर्टेंट डायग्राम्स हैं वो इस चैप्टर से आ सकते हैं, वो कौन कौन से हैं. ड्रॉ द लेबर डायग्राम ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. पूरा डायग्राम आना चाहिए अच्छे से, पूरी प्रॉपर लेबलिंग आनी चाहिए, ठीक है. नेक्स्ट है मेमरी ग्लैंड का डायग्राम पूछते हैं. नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट ऑफ ओवम, फर्टिलाइजेशन एंड पैसेज ऑफ ग्रोइंग एम्ब्रियो थ्रू फेलोपियन ट्यूब. ये भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए बच्चों. तो ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर से. अगर किसी भी क्वेश्चन में, किसी छोटे से भी इजी से भी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप जरूर पूछिए, मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूंगी और आपको प्रॉपर नोट्स भी प्रोवाइड करूंगी अगर आपके पास में नहीं है. You can ask your any type of questions in comment section. Clear guys? So this is all for this video. In next video, hum next chapter ke lekar ke aayenge important questions, definition. We will see in that video. So thanks for watching this one. And if you have not subscribed yet my channel, subscribe it. Otherwise, you will not get all the latest update. And guys, don't forget to share with your friends. Because आपको पढ़ाई तो अपने दोस्तों के साथ ही करनी है, तो इसलिए आप उनसे भी शेयर करिए ताकि जो चीज़ें आपको आ रही हैं वो चीज़ें वो भी सीख सके और आपका भी बेनिफिट हो और उनका भी बेनिफिट हो. एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द लाइक बटन. ओके, बाय बाय फॉर दिस टाइम.